Hello friends, today's topic is induction heating. So the contents are: what is induction heating, working of induction heating, Bock diagram of induction heating, advantages and disadvantages, application of induction heating. The first is working. What is induction heating? It works on the principle of electromagnetic induction. यानी कि जो induction heating होती है वो electromagnetic induction के principle पे work करती है. Due to electromagnetic induction, eddy currents are formed. Electromagnetic induction से eddy current बनते हैं, ये हमें पता ही है. The eddy currents is utilized here for heating the workpiece. ये जो eddy current होते हैं, ये workpiece को heat करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. Workpiece is the material which is used to be heated for various application. Workpiece वो एक material होता है जिसको हम heat करते हैं अपने भिन्न-भिन्न उपयोगों में. हीटिंग के उपयोगों में लाने के लिए. फॉर हीटिंग वर्कपीस अ कॉइल इज वाउंडेड अराउंड इट. वर्कपीस को हीट करने के लिए क्या करते हैं, उसके चारों तरफ एक कॉइल को हम वाउंड कर देते हैं, बांध देते हैं. इवन वी कैन सी हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग इन इंडक्शन हीटिंग नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग, आरएफ हीटिंग. यानी कि हम इंडक्शन हीटिंग में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग टेक्निक है. वर्किंग ऑफ इंडक्शन हीटिंग आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका वर्कपीस है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये आपका वर्कपीस है और इसके ऊपर ये कॉइल है. वर्कपीस के ऊपर हमने कॉइल किए, ठीक है. इस कॉइल में क्या होगा, एसी करंट इधर से जाएगा और एसी करंट वापस आएगा, ठीक है. पोलैरिटी चेंज होगी, प्लस माइनस, तो करंट ऊपर से जाके इधर आएगा और प्लस नीचे होगा तो नीचे जाके ऊपर से बाहर आएगा, ठीक है. ये आपका वर्कपीस है, इसके चारों तरफ क्या होगा, जैसे करंट पास होगा एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जनरेट होगा और इसके बीच में ही देख रहे हैं ये एडी करंट फॉर्म होगा. अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो इस तरीके से होगा कि अगर फर्स्ट हाफ साइकिल होगी तो प्लस टर्मिनल ऊपर होगा और नीचे माइनस होगा, तो ऊपर से इस तरीके से करंट जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगा. नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नीचे वाली डायरेक्शन दिखाई है, एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे एडी करंट फॉर्म होगा और इस करंट के जो फॉर्मेशन, जो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मोशन है, ये क्या करेगा, इस कॉइल को हीटअप करेगा, इस वर्क पीस को सॉरी हीटअप करेगा. तो ये बेसिकली वर्किंग थी इंडक्शन हीटिंग, किस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं. ये ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें क्या है, एक पावर सप्लाई है, एसी पावर सप्लाई है, ठीक है. उसके बाद ये हीट स्टेशन है, इसे हमने क्या किया है, कॉइल, ये कॉइल है, ये आपका वर्क पीस है जिसको हमें हीट करना है, ठीक है. ये इसको हीट करेगा, ये एक फीडबैक सिस्टम है. अगर हमें मान लीजिए कि टेम्परेचर मेंटेन करना है हीटिंग से, कहीं टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो ये यहां से फीडबैक देगा कि हाँ वो टेम्परेचर मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है. अगर हो गया है तो पावर सप्लाई को हम उस समय कुछ समय के लिए ऑफ कर देंगे और अगर नहीं हुआ है तो पावर सप्लाई को हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे. तो ये टिपिकल सेटअप है एक इंडक्शन हीटिंग के लिए. एडवांटेजेस ऑफ इंडक्शन हीटिंग क्या है हमारे, शॉर्ट हीटिंग साइकिल एंड हाई प्रोडक्शन रेट. इसका प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा जो है वो हाई प्रोडक्शन जो होता है इसका. लोअर डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन इसका बहुत ही कम है. डिसएडवांटेज क्या है, अ हाई फ्रीक्वेंसी पावर सोर्स इज रिक्वायर्ड विच इज वेरी कॉस्टली. एक बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की पावर सोर्स चाहिए जो कि बहुत ज्यादा महंगी होती है और रनिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इसका बहुत ज्यादा महंगा होता है. एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये स्टील हार्डनिंग के लिए यूज किया जाता है, शोल्डरिंग के लिए यूज किया जाता है और ब्रेजिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. थैंक यू.